नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है संप्रेषण संजाल, जिसे संचार तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। संचार तंत्र अथवा संप्रेषण संजाल मुख्य रूप से संप्रेषण अथवा संचार की दिशाओं को अभिव्यक्त करता है कि संचार या जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है वह संचार एक मार्गी है, द्विमार्गी है अथवा बहुमार्गी है, वह किस दिशा की ओर गमन कर रहा है, अर्थात संप्रेषण के प्रवाह की दिशा को अभिव्यक्त करने वाले तंत्र को ही संप्रेषण संजाल कहा जाता है। आइए आज हम इस बारे में परिचर्चा करेंगे कि संप्रेषण संजाल क्या है, संचार तंत्र के मुख्य प्रकार क्या होते हैं और संचार तंत्र के माध्यम से हम संगठन में संचार की किस अभिक्रिया के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि संप्रेषण संजाल का अर्थ क्या होता है, संप्रेषण संजाल का अभिप्राय क्या है, संचार तंत्र है क्या, संचार तंत्र के बारे में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह संगठनों में सबसे पहली बात है कि इसका संबंध ऑर्गेनाइजेशन से होता है। विचारों, सूचनाओं का संचरण या गमन अथवा आदान प्रदान करने का माध्यम या चैनल होता है, अर्थात संप्रेषण तंत्र ही वह माध्यम है जिसके द्वारा सूचना तथ्यों के साथ समझदारी के साथ या सार्थक सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जिसे संचार तंत्र या संप्रेषण संजाल कहा जाता है। तो संप्रेषण संजाल किसे कहते हैं, वह माध्यम जिससे होकर सूचनाएं संगठन में एक कार्मिक से दूसरे कार्मिक के पास, एक संगठन से दूसरे संगठन के पास, एक विभाग से दूसरे विभाग या विभागों के पास पहुंचती हैं, उस माध्यम को संप्रेषण तंत्र कहा जाता है। एक संप्रेषण नेटवर्क अंतः संबंधित रेखाओं का प्रारूप होता है, इसका मतलब आपस में जुड़ी हुई जो रेखाएं होती हैं, आपस में जुड़ी हुई जो आधार होते हैं, आपस में जुड़े हुए गुथी हुई जो अंतः क्रियाएं होती हैं, वो संचार को प्रारूप निर्धारित करती हैं कि किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हो, किस तरह से आप बातचीत करते हो, उसका प्रवाह कैसा है, ये तय करता है कि संप्रेषण नेटवर्क भी कैसा होगा, जिनके माध्यम से संदेश के प्रवाह को एक दिशा अथवा अनेक दिशाओं के स्वरूप में दर्शाया जा सकता। इसका मतलब है कि बातचीत करने के या संप्रेषण करने के जो तरीके होते हैं वो तरीके उन दिशा और दिशाओं के रूप में अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह अंतः संबंध का प्रारूप कैसा है, वह औपचारिक संबंध है अथवा वह अनौपचारिक संबंध है। आगे है, पारस्परिक संबंधों के प्रारूप के आधार पर संगठन में संप्रेषण नेटवर्क के अनेक प्रकार होते हैं। इसका मतलब है कि संप्रेषण तंत्र की जो स्वरूप या प्रकार हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि संप्रेषण करने वालों के पारस्परिक संबंध कैसे होते हैं। ये चैनल ही किसी संगठन के भीतर और बाहर बारंबारता एवं सुचारूपन को निर्धारित करते हैं, अर्थात बार बार जो सूचनाएं प्रेषित होती हैं, संप्रेषण जो मैंने जैसा पहले भी आपको बताया गया कि संप्रेषण किसी बिंदु से ना तो आरंभ होता है ना ही समाप्त होता है, संप्रेषण प्रक्रिया अंतहीन प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया सतत रूप से मानवीय जीवन में संचालित होती रहती है। और जैसा कि आपको सर्वविदित है कि संगठन भी ऐसे ही मानवों का एक समूह होता है, एक सामूहिक क्रिया होता है, उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए संप्रेषण तंत्र की आवश्यकता होती है। इसके आगे दूसरा है कि संप्रेषण संजाल के प्रकार क्या होते हैं। जब हमने संप्रेषण तंत्र का अर्थ जान लिया है तो ये भी जानना आवश्यक है कि संप्रेषण तंत्र के प्रकार कितने होते हैं। सामान्यतः संप्रेषण संजाल अथवा तंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक प्रकार होता है और दूसरा अनौपचारिक प्रकार होता है। औपचारिक प्रकार के निश्चित नियम, गति और विनियम होते हैं जिनके आधार पर वह संचालित होता है, उसकी गति सीमित होती है और धीमी होती है। परंतु अनौपचारिक संचार में इस प्रकार की बाधाएं, नियमों की बाधाएं, प्राधिकार की बाधाएं अथवा अन्य तरह की कोई बाध्यताएँ
टर्म और कंडीशन, सेवा और शर्तें लागू नहीं होती हैं, इसलिए वह बहुत तीव्र गति से होता है, परंतु उसकी प्रामाणिकता हो यह आवश्यक नहीं है। बेसिकली औपचारिक संगठनों में औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण दोनों ही प्रकार के संप्रेषण होते हैं। इनके बारे में आइए परिचर्चा करते हैं। पारस्परिक संबंधों के प्रारूप के आधार पर संगठन में संप्रेषण नेटवर्क के अनेक प्रकार होते हैं। संप्रेषण के प्रकार इस बात पर निर्भर हैं कि संप्रेषण करने वालों के बीच रिलेशनशिप कैसी है। संप्रेषण नेटवर्क के विविध प्रकार इसमें शामिल व्यक्तियों की संख्या और चैनल्स पर निर्भर होते हैं। इसका मतलब दो आधार हैं कि कितने लोगों के बीच, कितनी संगठनों के बीच, कितने विभागों के बीच संप्रेषण हो रहा है, और दूसरा उनके माध्यम क्या है। इसी पर संप्रेषण का प्रकार और संप्रेषण का स्वरूप निर्भर करता है। संप्रेषण नेटवर्क को सामान्यतया दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात ऐसे तो सामान्य अनेक विचारकों का इसमें सर्वसम्मति नहीं है, उनमें मैतक्य नहीं है कि संप्रेषण के कितने स्वरूप होते हैं। फिर भी हम आधारभूत रूप से अथवा मोटे मोटे स्वरूप में अगर देखें तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है औपचारिक संप्रेषण तंत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक संप्रेषण तंत्र। फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, औपचारिक संप्रेषण तंत्र और अनौपचारिक संप्रेषण तंत्र। अब इन संप्रेषण के दो प्रकारों के भी विविध प्रकार होते हैं। सामान्यतः औपचारिक संप्रेषण तंत्र और अनौपचारिक संप्रेषण तंत्र को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है। आइए इनके बारे में परिचर्चा करते हैं। पहला प्रकार है संप्रेषण तंत्र का औपचारिक संचार तंत्र, फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। संगठन के भीतर की संचार प्रक्रिया, इसका मतलब है संगठन के अंदर की बात कही जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसकी बात कह रहे हैं, औपचारिक संप्रेषण नेटवर्क पर आधारित होती है, जिसके मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। इसका मतलब है कि औपचारिक संप्रेषण संगठन के इंटरनल रिलेशन, अंतः संबंधों पर आधारित संप्रेषण तंत्र होता है। इस संप्रेषण तंत्र के पांच मुख्य प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? पांच मुख्य प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है वृत्ताकार संजाल, दूसरा है श्रृंखला संजाल, तीसरा है वाई संजाल। यहाँ आप डायग्राम आरेख के माध्यम में देख रहे होंगे कि संप्रेषण का यह प्रवाह किस दिशा में और कौन सी दिशाओं में हो रहा है, किस तरह। इसका मतलब संप्रेषण जिस दिशा में गमन करता है उसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि वर्ताकार संजाल इसे कहा जाता है। वर्ताकार संजाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ संप्रेषण एक वृत्त सर्किल के रूप में संचारित हो रहा है। मान लीजिए कोई सूचना कम्युनिकेशन ए से शुरू होता है, बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से ए, इस तरह से ये एक सर्किल के रूप में, गोलाकार स्वरूप में सूचनाओं का, तथ्यों का, सार्थक वाक्यों का समझदारी के साथ या अर्थ सहित संप्रेषण होता है। ऐसे संप्रेषण तंत्र को वृत्ताकार संचार तंत्र के नाम से जाना जाता है। वर्ताकार संचार तंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें कार्मिकों के बीच या व्यक्तियों के बीच आपस में ही संचार होता है। दूसरा संचार तंत्र का प्रकार है श्रृंखला संचार, इसे चैन कम्युनिकेशन नेटवर्क कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ संप्रेषण चैन से जुड़ा हुआ, एक से दो, दो से तीन, तीसरे से, इसका मतलब वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप ये चल रहा है। यहाँ आप इसको देख सकते हैं, कोई भी संप्रेषण कम्युनिकेशन ए से शुरू होता है, बी के पास जाता है, फिर बी से सी के पास जाता है और सी से डी के पास, ये ए से सीधा बी के पास, सी के पास या डी के पास नहीं जाता है, अपितु ये स्टेप बाई स्टेप एक चैन के रूप में जुड़ा हुआ है। इसे आप हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में भी देख सकते हैं, सुपीरियर देन सबोर्डिनेट, बड़ा अधिकारी छोटा अधिकारी, फिर बड़ा अधिकारी छोटा अधिकारी, उससे छोटा, और इस तरह से ये संप्रेषण चलता रहता है। इसलिए इसको श्रृंखला, एक चैन या रेखिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रकार है औपचारिक संप्रेषण तंत्र का वाई तंत्र, इसका मतलब इसे आंग्ल भाषा का जो वाई अक्षर है उसकी डिजाइन में इसको अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संप्रेषण ए व्यक्ति और बी व्यक्ति सी को संप्रेषित करता है। इसका मतलब है कि कोई एक जो सुपीरियर, इसका विपरीत स्वरूप भी बन सकता है,
एक उच्च पदाधिकारी दो सबोर्डिनेट्स को कोई कमांड कर रहा है, उसे वाई संजाल कहा जाता है। मान लीजिए ए है, ए के द्वारा केवल और केवल बी को संप्रेषित किया जाता है, सी को संप्रेषित किया, लेकिन यहाँ सी के द्वारा यह ऐसा संप्रेषण कम्युनिकेशन किस किस के साथ किया जाता है? ए के साथ भी किया जा रहा है और बी के साथ भी किया जा रहा है। इसका मतलब दोनों से वह क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है, संप्रेषण कर रहा है, वह दोनों से बातचीत कर रहा है, इसको वाई संजाल कहा जाता है। नेक्स्ट औपचारिक संचार तंत्र का चौथा प्रकार है पहिया संजाल। पहिया इसका व्हील कम्युनिकेशन नेटवर्क पहिए की तरह गोल गोल घूमता है। ये देखिए यहाँ ए है, पहिए की धुरी होती है, एक्स होता है चक्र का जो मुख्य आधार जिसके चारों तरफ पहिया घूम रहा होता है। दूसरा ये यहाँ पर आप ई, यहाँ से संचार ये इस धुरी के माध्यम से ए के पास भी जा सकता है, सी के पास भी जा सकता है, बी के पास भी जा सकता है और ई के पास भी जा सकता है। परंतु ये आपस में ई और डी, डी और सी, सी और बी, बी और ई संचार नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पहिए की धुरी या केंद्र होता है और प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग इस धुरी के साथ कम्युनिकेट करता है, संप्रेषण का व्यवहार निष्पादित करता है। इसलिए इसे पहिया संजाल तंत्र कहा जाता है, संजाल या तंत्र कहा जाता है। पांचवा औपचारिक संप्रेषण का पांचवा प्रकार है कॉम-कॉन संजाल। इसे कॉम-कॉन संजाल भी कहते हैं, इसे मुक्त प्रवाह तंत्र भी कहा जाता है। इस प्रवाह तंत्र में प्रत्येक कार्मिक प्रत्येक दूसरे कार्मिक से स्वतंत्र होकर बिना किसी बाधा और प्रतिबंध और प्राधिकार के संप्रेषण कर सकता है। इसे आप यहाँ आरेख में देख सकते हैं, ए ई के साथ भी संप्रेषण कर सकता है, ए के द्वारा सी के साथ, ई के साथ, डी के साथ, ई के साथ, बी के साथ और ए के साथ। इसका मतलब है कि ये आपस में संचार कर सकते हैं। इसी के साथ आप ये देख रहे हैं कि सीधा यहाँ डी के साथ संप्रेषित कर सकता है और ये ई के साथ भी व्यवहार कर सकता है और बी के साथ भी अपना संप्रेषण की प्रक्रिया को निष्पादित कर सकता है। ठीक ए की तरह ही बी, ए, ई, डी और ई के साथ, ऐसे ही ई, डी, ई, ए और बी के साथ, इसी तरह से डी, ई, बी, ए, ई के साथ और इसी तरह से ई, बी, ए, बी, डी और ई के साथ अपना संप्रेषण प्रक्रिया अपनी संप्रेषण प्रक्रिया को निष्पादित कर सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई बाधा नहीं होती है और इसे औपचारिक संप्रेषण का उन्मुक्त प्रवाह कहते हैं। फ्री होता है ये पूर्ण रूप से। और यहाँ सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें जो कार्मिक होते हैं या संगठन में जो कर्मचारी होते हैं उनकी मानसिक संतुष्टि सबसे ज़्यादा मिलती है। उनके मन में जो कुंठा होती है, जो भग्नाशा होती है, वो बाहर आ जाती है, अभिव्यक्त आ जाती है। जैसे कि दुखी होने पर कोई व्यक्ति अपने दुख को वजन की तरह नहीं होता, जिसको आप बांट सकते हो, उसको वितरित कर सकते हो, उसको अलग अलग स्वरूप में विभाजित कर सकते हो, परंतु ऐसे दुखी व्यक्ति से बातचीत करने से उसका मन हल्का हो जाता है, उसके दिल का बोझ, हृदय का बोझ कम हो जाता है। जो उसकी मानसिक वजन था वह मानसिक वजन कम हो जाता है। अतः इसे कॉम-कॉन संजाल या फ्री कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कहा जाता है। ये थे औपचारिक संप्रेषण के पांच प्रकार। इसके आगे हैं अनौपचारिक संचार तंत्र। अनौपचारिक संचार तंत्र के भी मुख्य पांच प्रकार होते हैं। आइए इनके बारे में परिचर्चा करते हैं। अनौपचारिक, ये यहाँ औपचारिक लिखा हुआ है, अनौपचारिक पढ़ा जाए इसको। अनौपचारिक नेटवर्क उस संप्रेषण जाल को प्रस्तुत करता है जो संगठन के बाहर निर्मित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। औपचारिक संप्रेषण नेटवर्क जो होता है वह संगठन के भीतर सर्जित होता है, जबकि अनौपचारिक संप्रेषण तंत्र संगठन के जो ऑर्गेनाइज उसके आउट बियॉन्ड बाहर जाकर सर्जित होता है। जैसा आपने मानव संबंध उपागम अध्ययन के अंतर्गत या मानव संबंध संप्रदाय में आपको मैंने बताया था कि वे संगठन के ऐसे कुछ संगठन के जो सीमा में नहीं होते हैं अपितु बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के बाहर होते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, समूह बन जाते हैं, उनको औपचारिक समूह नहीं अनौपचारिक समूह कहते हैं। हालांकि वो संगठन के अंदर कार्य कर रहे होते हैं लेकिन वो संगठन के भीतर से सर्जित नहीं होते हैं। वो संगठन के रूल्स और रेगुलेशन से बाहर जाकर पारस्परिक सामाजिक सोच सामाजिक संबंधों पर सर्जित होते हैं।
अनौपचारिक संचार पर औपचारिक बाधाएं नहीं होती। कैसी औपचारिक बाधाएं? जैसे प्राधिकार की सीमाएं होती, उच्चता की बाधाएं होती हैं, दिशा दिशा निर्देशन की बाधाएं होती इत्यादि लागू नहीं होते हैं। अनौपचारिक संचार के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर एक, पहला प्रकार है एकल छोर तंत्र। इसका मतलब एक किनारा होता है और वहां से संचार प्रक्रिया आरंभ होती है। आरंभ या लंघन, हालांकि आपको ध्यान रखना है कि आरंभ और अंत के बारे में विद्वानों कहने कहाँ से शुरू हुई इसका पता लगाना कठिन है, फिर भी हम एक काल्पनिक तौर पर मान सकते हैं कि संचार प्रक्रिया एक रेखा के रूप में एक छोर से शुरू होती है और लगातार उसी सर्किल के रूप में, चैन के रूप में आगे बढ़ रही होती है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये सेंडर होता है, ये वक्ता होता है, ये स्पीकर होता है, ये प्रेषक होता है। यहाँ से कोई सूचना संचारित होती है, आगे बढ़ती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर आगे बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ती है। ये औपचारिक कम्युनिकेशन नेटवर्क के चैन कमांड की तरह या चैन टाइप्स की तरह है, परंतु वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से सूचना एक व्यक्ति से शुरू हुई है और फिर वो एक व्यक्ति के माध्यम से ही आगे तक संचारित होती है। ये रैखिक क्रम में संचालित होती है, इसलिए इसको एकल छोर प्रतिमान कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसी को कहे, इससे सूचना जा सकती है यहाँ भी और यहाँ भी जा सकती है। ये उसकी इस बात पर निर्भर करता है कि किस कौन से लोगों पर, किस व्यक्ति पर विश्वास करता है, परंतु वह एक एक व्यक्ति पर ही विश्वास करता है। इस तरह से अपना संप्रेषण की प्रक्रिया को निष्पादित करता है। मान लीजिए ए व्यक्ति को केवल बी पर ही विश्वास है, तो वह अपनी बात केवल बी को ही कहता है। इसी तरह से दूसरा संचार संप्रेषण अनौपचारिक संप्रेषण तंत्र का प्रकार है गप्पा तंत्र। इसको गप्पे मारना, बिना किसी तर्क के, बिना किसी विवेकशीलता के टाइम पास करने वाली बात कर रहे हैं। जैसे कई बार आप पूछते हो कि क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हैं, इसका मतलब है गप्पा तंत्र की वो बात कर रहे हैं। कोई भी बात जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, तथ्य नहीं होता, वो सच हो ये भी जरूरी नहीं है, केवल आलोचना करने के लिए, समय पास करने के लिए, इधर उधर की बातें करने के लिए, व्यर्थ और बेकार की बातें, इसको कहते हैं गॉसिप करना, बैठे बैठे गप्पे मारना। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक संचार तंत्र के रूप में अभिव्यक्त किया गया है कि यहाँ से गप्पे मारने के लिए ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति इससे गप्पे मार सकता है, गोसिप कर सकता है, इससे भी गोसिप कर सकता है, तीनों गोसिप कर सकते हैं, ये इससे भी गोसिप कर सकता है और इससे भी गोसिप कर सकता है, परंतु आपस में आप देख रहे हैं ये आपस में गोसिप नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति इन दोनों के साथ गोसिप करता है, एक्स व्यक्ति इसके साथ गोसिप कर सकता है, एक्स व्यक्ति इसके साथ गोसिप कर सकता है, एक्स व्यक्ति इन चारों के साथ क्या कर सकता है, गोसिप कर सकता है, गप्पे मार सकता है। दूसरा, तीसरा है प्रायिकता तंत्र। इसे संभाव्य तंत्र भी कहा जाता है कि वह संभावना होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक्स के द्वारा इसके साथ बातचीत की जा सकती है, संप्रेषण किया जा सकता है, इसके साथ एक्स इससे बातचीत कर सकता है, एक्स के द्वारा दूसरे कार्मिक से बातचीत की जा सकती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से इसके साथ भी वो बातचीत कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट बात नहीं कर रहा, ये केवल इसी से बात करता है और ये आगे जाकर दूसरे कर्मचारी से या व्यक्ति से बात कर रहा होता है। और चौथा प्रतिमान है, चौथा प्रकार है गुच्छा संजाल। इसका मतलब एक्स, ये दोनों जो ग्रुप बातचीत कर रहे हैं, इसके द्वारा इन दोनों के साथ बातचीत की जा सकती है और ये एक व्यक्ति से बात करता है, परंतु ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे होते हैं, एक समूह। इसको गुच्छा प्रतिमान या गुच्छा संजाल इसलिए कहते हैं, ये दोनों का एक समूह है, समूह प्रतिमान गुच्छा, और इन दोनों का क्या है, एक समूह है। यहाँ यहाँ भी एक समूह आपको दिखाई दे रहा है, परंतु ऐसा दूसरा कोई समूह नहीं होता, इसलिए इसको तो संभाव्य रूप से कि वह दोनों के साथ भी बातचीत कर सकता है, वह एक के साथ ही बातचीत कर सकता है, हो सकता है वो बातचीत ही नहीं करे, उसके साथ कम्युनिकेशन ही नहीं करे, परंतु यहाँ पर दो दो के समूह हैं, जोड़े बने हुए, इसलिए इसको गुच्छा संजाल अथवा समूह प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पांचवा प्रकार है, ये अनौपचारिक संचार तंत्र का ही एक प्रकार है, जिसको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से यहाँ चर्चा की गई है किथ डेविस की ग्रेपवाइन की अवधारणा। पहली बात तो ये है कि ग्रेपवाइन या अंगूर लता संचार तंत्र का प्रतिपादन किथ डेविस के द्वारा किया गया है। पहली बार यह प्रतिमान अमेरिकी गृह युद्ध के समय ये जो टर्म है, शब्द है, वो उदित हुआ था। बेसिकली ग्रेपवाइन एक अनौपचारिक तंत्र या अनौपचारिक संप्रेषण तंत्र होता है। इस
अनौपचारिक संप्रेषण तंत्र को या संचार तंत्र को हम किसी विशेष प्रकार की दिशा नहीं दे सकते हैं, इसका कोई आरेख नहीं बन सकता। आप ध्यान रखोगे क्यों नहीं बन सकता आरेख, आइए इसके बारे में परिचर्चा करते हैं। पहली बात, किथ डेविस के द्वारा संगठन में ग्रेप वाइन या अंगूर लता संप्रेषण नेटवर्क को अभिव्यक्त किया गया, इसका मतलब ग्रेप वाइन का प्रतिपादन किथ डेविस के द्वारा किया गया है। यह संप्रेषण के स्वतंत्र प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा मैंने बताया कि स्वतंत्र प्रवाह जो औपचारिक होता है इसके ऊपर बाध्यता नहीं होती, बेसिकली वैसे ही मूल अनौपचारिक होता है, परंतु इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, झूठ या सच इसका भी कोई आधार नहीं होता। प्रत्येक सदस्य को किसी भी अन्य सदस्य के साथ संप्रेषण की स्वतंत्रता होती है। औपचारिक में भी जो स्वतंत्र औपचारिक संचार तंत्र होता है ठीक वह ऐसा ही है, परंतु वहाँ झूठ नहीं हो सकता, रूमर नहीं हो सकता, अफवाह नहीं हो सकती है, वहाँ नियम कायदे होते हैं, सत्ता का प्राधिकार की रेखा होती है, अथॉरिटी होती है, कार्रवाई होती है, यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर औपचारिक स्ट्रक्चर को निकाल दिया जाए तो ये स्वतंत्र प्रवाह है, लेकिन वहाँ एक दिशा बनी हुई है, उसका फिक्स ढांचा है, उसकी दिशाएं हैं कि संप्रेषण किधर होगा, परंतु यहाँ कोई दिशा नहीं है। जरूरी नहीं है कि वह सब लोगों तक जाए, नहीं भी जाए। यह उच्चतम संतुष्टि उपलब्ध कराने वाला संप्रेषण नेटवर्क होता है, यह इसकी तरह उच्चतम सेम उसी की तरह समान रूप से उच्चतम संतुष्टि कार्मिकों को, वह अपनी बात किसी को कह दे, मान लो ए को नहीं कह सकता, बी को कह दिया, सी को कह दिया, डी को कह दिया। यह संरचना विहीन अनौपचारिक संप्रेषण नेटवर्क, इसकी कोई स्ट्रक्चर या संरचना नहीं होती, इसको हम किसी आरेख में डिजाइन नहीं कर सकते। यह ग्रेपवाइन अमेरिकी गृह युद्ध के समय प्रचलित शब्द है। किथ डेविस ने बताया है कि ग्रेपवाइन के द्वारा प्रेषित संदेश को दूषित किया जा सकता है। दूषित का मतलब, मैंने कहा कि बी व्यक्ति ने मुझे कहा है कि वह एक बड़ा अधिकारी है, परंतु आप जाकर सी व्यक्ति से कहो कि बी ने ऐसा कहा है ए के बारे में कि वह कह रहा था कि वह बिना किसी काम का निठल्ला घूमता रहता है। मतलब बिल्कुल ही बदल दिया गया है। तिल, जैसे गाँव की कहा, तिल का ताड़ बनाना या राई का पहाड़ बना देना अतिशयोक्तिपूर्ण, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातों को कहना। आपने किसी एक व्यक्ति को कुछ कहा हो और 10 व्यक्तियों के बाद जाकर आप 11 व्यक्ति से उसी बात को सुनोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं था। ये ग्रेपवाइन का ही सिंबल होता है। आपने अमर बेल जो होती है परजीवी, विज्ञान अगर पढ़ी होगी तो परजीवी जो दूसरे पौधों पर जीवित होने वाली एक लता होती है, उसको कहीं फेंक दो आप किसी जीवित पेड़ पर, वो फैलती जाती है, फैलती जाती है। आप देखोगे ऐसा जाल था ही नहीं कि नहीं, कि जाल बन जाता है, उसकी संरचना नहीं है, वो किधर से जहाँ से उसको जीव भोजन मिलेगा, वह परजीवी होती है, उसी तरह से उसका विस्तार हो जाएगा। इस तरह से दूषित किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। कागज का टुकड़ा नहीं है या लकड़ी नहीं है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, परंतु बातचीत कहने का जो तरीका है और जो वास्तविकता थी उसको बदल देना ही तोड़ना मरोड़ना है। उसे अतिशयोक्तिपूर्ण स्वरूप दिया जा सकता है। इसे बहुत अलंकारपूर्ण भाषा, अगर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा हो तो उसमें अलंकार होते हैं और वो और ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। जैसे प्राचीन समय में या आजकल मुझे नहीं पता, प्राचीन गांव में भांड आया करते थे और वो भांड इस तरह से अभिव्यक्त करते हैं कि मुझसे कहेंगे कि आपके दादा ने मुझे 11,000 रुपये दिए थे, यद्यपि वास्तविकता ये है कि मेरे दादा ने उस समय 11 रुपये दिए, लेकिन उन्होंने उसको 11,000 रुपये लिख दिया। अथवा आप कभी हरिद्वार गए हो तो वहाँ भी ऐसा ही होता है, आप 111 रुपये दें और वो उसको 11,111 लिख देते हैं उस बही खाते में, ताकि आगे आने वालों को वो बता सके, कई गुना बढ़ा चढ़ा कर। तो ये वास्तविकता है मानवीय जीवन की। इस मेरा उद्देश्य यहाँ किसी की भावनाओं का आहत करना नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है, मैंने इसको खुद अनुभव किया है, क्योंकि मैं जब हरिद्वार गया तो मैंने इस बात को महसूस किया है। यह कम या ज़्यादा किया जा सकता है, इसको कम भी किया जा सकता है। मैंने 10 बातें कही, आपने किसी को जाकर 2 ही बातें कही, परंतु हटाया समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी कोई ना कोई बात थी, 2 व्यक्ति खड़े थे और आपको क्या बात कर रहे थे, कोई ना कोई बात तो आप कर रहे थे, चुप तो नहीं थे, इसका कोई बात थी, इसको समाप्त नहीं कर सकते, आप हटा नहीं सकते, कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा, कम या ज़्यादा। इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता और ना ही सुव्यवस्थित करना संभव है। सुव्यवस्थित होगा तो औपचारिक संचार तंत्र होगा, ये अव्यवस्थित होता है, इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आप उस बात के पीछे पीछे नहीं जा सकते कि किसने कहा ऐसा, झूठ किसने कहा, बेसिकली झूठ ही होता है, उस झूठ का पीछा कैसे करोगे। आप बी से जाकर को आपने कहा, उसने कहा मुझे सी ने कहा था, सी के पास जाओगे, सी कहेगा मैं मुझे डी ने कहा था,
फिर जब डी के पास पहुंचोगे, डी कहेगा मुझे ई ने कहा था, ई कहेगा मुझे जेड ने कहा था, जेड कहेगा मुझे ए ने कहा था, और ऐसे बढ़ता ही जाएगा। आप किसी स्तर तक, अंतिम स्तर तक नहीं जा सकते, उसकी जड़ को, उसके मूल को, उसके रूट को आप खोज नहीं सकते। इसलिए इसका कोई प्रतिमान नहीं होता। यह जंगल में फैलने वाली आग जिसे दावानल कहा जाता, उसकी तरह विस्तृत होता, फैलता जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है। रूमर फैल जाए कि जैसे अमृत बांटा जा रहा है, सब लोग भाग जाएं, ऐसा ही एक अफवाह 1995 महाराष्ट्र से शुरू हुई थी। गणेश जी की प्रतिमा दूध पीने लग गई और उत्तर भारत से ट्रेनें और बसें भर भर कर वहाँ पहुँच गई। ये रूमर है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस अफवाह को इतनी जंगल में लगने वाली आग की तरह मैंने कहा। इसलिए किथ डेविस ग्रेपवाइन की बात कहता है कि यह एक बिना किसी संरचना वाला संप्रेषण होता है जो बेसिकली अफवाह के रूप में संचारित होता है। इसीलिए इसी के साथ हमारा आज का विषय समाप्त हो गया है। छोटा सा टॉपिक था, संप्रेषण तंत्र क्या होता है, संप्रेषण तंत्र के मुख्य प्रकार क्या होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। आप सभी लोगों का मेरे इस व्याख्यानों और चलचित्र को ध्यान से सुनने के लिए और देखने के लिए धन्यवाद।